बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो बचपन की एक झलक दिखाई गई है कि वो कैसे बहुत ही संवेदनशील एक बालक थे, और जिन्होंने अपने बचपन में इतने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस देखे हैं, तो जिससे एक इंसान का जो व्यक्तित्व किस तरह से उसका शेपअप होता है, लेकिन ये फिल्म उनके बारे में नहीं, हमारे बारे में है कि एज अ सोसाइटी वी हैव टू बी टुगेदर टू राइज. हम लोग आपस में एक दूसरे से अलग रह के राइज नहीं कर सकते. सो दिस फिल्म इज़ एक उनकी लाइफ का एक छोटा सा एक किस्सा है उनके बचपन का, लेकिन ये हमारे लिए है. तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलनी चाहिए. वेल, आई थिंक ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट. वो ऐसा नहीं है कि अपने मम्मी पापा की वजह से इस मुकाम पे पहुँचे हैं. वो बहुत ही संघर्ष करके, व्हाई यू लाफिंग, बहुत ही संघर्ष करके जो हैं, ही इज़ द राइटफुल लीडर ऑफ अ डेमोक्रेसी. वो हमने उनका चयन किया है, हम लोगों ने उनको चुना है, तो दिस कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम. दिस इज़ हिज वेल डिजर्व प्लेस विच ही हैव नॉट ओनली डिजर्व बट अर्नड बाई शेयर हार्ड वर्क. देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, देर शुडंट बी एनी डाउट अबाउट हिज credibility as a prime minister. Of course, why not? 5 साल बहुत कम है किसी भी देश को खड्डे से निकालने के लिए. You know, we are, our country is in a pit. We need to pull it out. 5 साल बहुत कम है किसी भी देश को खड्डे से निकालने के लिए. You know, we are, our country is in a pit. We need to pull it out. So 5 years are not enough. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट.